व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं पीसी कंपोनेंट्स, तो इतने सारे पीसी कंपोनेंट्स लगते हैं एक अच्छा पीसी बिल्ड करने के लिए। अच्छा ही नहीं, एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं कैसा भी हो पीसी, तो इतने सारे पीसी कंपोनेंट्स जरूर लगते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो में मैं एक्चुअली बताऊंगा कि क्यों मैंने इन पीसी कंपोनेंट्स को चॉइस किया है एंड आप कैसे चॉइस कर सकते हैं। अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पावर सप्लाई कैसे चॉइस कर सकते हैं, EMD लेना है या फिर इंटेल, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लेना है, कौन से बजट में कैसे अच्छे वाला मिलते हैं, वैसे ही मदरबोर्ड क्यों ऐसे चॉइस करना है, क्या क्या फीचर्स देखना है एक मदरबोर्ड लेने के लिए एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू, इन सारे चीज़ को मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन करके वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी देखें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पीसी बिल्ड, बहुत ही ईजी है आजकल के ज़माने में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन मैंने इन सारे चीज़ों को क्यों लिया है। अराउंड 60-65,000 रुपीज़ पड़ेगा आप इन सारे कंपोनेंट्स अगर परचेस करेंगे तो। सी बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ का टैक्स वो इम्पोर्ट टैक्स ये सारी चीज़ लगाकर थोड़ा 3-4,000 रुपीज़ डेफिनेटली कॉस्टली लगता है हमारे इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द US मार्केट। ऑफकोर्स इंग्लैंड में भी सिमिलर प्राइसिंग रहेगा जैसे कि हमारा है। वहाँ पर अगर आप 60,000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो इससे भी अच्छा बेटर वाला सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसी सिस्टम में खुश रहना पड़ेगा इवन दो यू आर स्पेंडिंग 60,000 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं बड़ा बॉक्स, तो इस बॉक्स में ही इन सारे पीसी कंपोनेंट्स फिट होने वाले हैं एंड फुल पीसी ट्यूटोरियल भी दूंगा अलग से वीडियो में कि कैसे आप इन सारे चीज़ों को सेटअप कर पाए। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि इन सारे पीसी कंपोनेंट्स को क्यों चॉइस किया है मैंने एक वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग पीसी बनाने के लिए। तो ये है कूलर मास्टर का MB520 केस, थैंक्स टू कूलर मास्टर फॉर सेंडिंग दिस केस फॉर रिव्यू पर्पस। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर बॉक्स जो नया सीरीज है इनका, ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर है। जो पुराना MB500 सीरीज था तो उसको अपडेट करके MB520 सीरीज इन्होंने बनाया है। तो अभी इनका चार वर्शंस है, एक है MB510L, एक है MB511 एंड ये है MB520 एंड और एक है MB530P। तो इन चार केसेस में आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया केसेस है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टूललेस डिज़ाइन बनाते हैं एंड मोर और अच्छा कूलिंग रहता है इनका कूलर मास्टर का। तो ऑफ कोर्स मेरे अदर पीसी में ऑलरेडी मैं कूलर मास्टर का ही स्टॉर्म स्काउट यूज़ कर रहा हूँ अराउंड 7-8 ईयर से, बहुत ही अच्छा चल रहा है तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कूलर मास्टर। तो MB520 केस नया है, हम इसको ज़रूर अलग से रिव्यू भी देंगे। एंड उसके बाद है मदरबोर्ड, ये है MSI का मदरबोर्ड B450 चिपसेट, यानी कि लेटेस्ट जो भी AMD Ryzen का प्रोसेसर्स है 2000 सीरीज का वो आप इसमें फिट कर सकते हैं एंड इवन जो पुराना सीरीज़ है जैसे कि AMD का 1600। जी हाँ, हम इस बिल्ड में AMD की Ryzen 5 1600 यूज़ करेंगे। देखिए मार्केट में अराउंड 12,000 रुपीज़ वेरी करता है डेली प्राइसेस, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ इन सारे चीज़ सारे कंपोनेंट्स के लिए लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग, वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, आप वहाँ पर देखकर आप अपना चॉइस बना सकते हैं। तो AMD Ryzen 5 1600 का प्रोसेसर है एंड अगर मैं फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहूँ प्रोसेसर को तो भी ये इसमें फिट होगा, तो इसीलिए मैंने B450 जो लेटेस्ट है MSI का गेमिंग प्लस वर्शन वो वाला लिया है। आप इसमें टफ वाला सीरीज़ का है एंड इवन अदर प्राइम सीरीज़ आता है, ASUS का है, वो सारे चीज़ भी अच्छा है, उनका ब्रांडिंग भी अच्छा है। तो जस्ट मैं एक नया MSI ब्रांड कैसा है देखने के लिए MSI का चॉइस किया। यूजुअली मैं ASUS ब्रांड प्रेफर करता हूँ बट स्टिल देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसमें भी कुछ फीचर्स अच्छे हैं, कुछ मिसिंग है, मैं स्प्रेड से अलग रिव्यू दूंगा। एंड ये है ग्राफिक्स कार्ड, देखिए ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए नहीं बल्कि इवन मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए, कंटेंट व्यूइंग के लिए हो या फिर 3D एनिमेशन बनाने के लिए हो, इन सारी चीज़ों को एक्चुअली सपोर्ट करके एक अच्छा वाला आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देगा अगर आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड खरीदी करेंगे तो। ये है GeForce NVIDIA का 1050 Ti, तो Zotac का लिया हूँ मैं, ASUS का भी अच्छा है, MSI का भी अच्छा रहता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस आपके रीजन में कौन सा अच्छा वैल्यू एंड परफॉर्मेंस मिलता है तो वो वाला ले सकते हैं। बट मैं Zotac का इसलिए लिया क्योंकि देखिए इसका ओवरक्लॉक्ड वर्शन जो है, इसका मेमोरी बूस्ट एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो इसलिए टेस्ट करने के लिए मैंने Zotac का लिया 1050 Ti। एंड जैसे कि आपको पता है बिकॉज ऑफ द माइनिंग वो सारा चीज़ चल रहा है तो इसलिए बहुत ही महंगा हुआ है ग्राफिक्स कार्ड, यूजुअली 11,000 रुपीज़ में मिलना चाहिए, मैंने एक्चुअली इसको 14-15,000 रुपीज़ पे किया है अनफॉर्चुनेटली आई नो। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्ड डिस्क, ये है सैमसंग का 860 EVO
इसमें मैंने 250 GB का लिया है। अगर आप 6000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो यू कैन बाई 500 GB। आई स्पेंट अराउंड 4000 रुपीज़ फॉर दिस 250 GB। आपको ज़रूर लेना है एक SSD, मैंने अलग वीडियो में बताया हूँ क्यों, आप देख सकते हैं। यह है रैम, हम ऑफकोर्स 16 GB का रैम लगाएंगे और एक यहाँ पर 8 GB का है, तो इसका और एक पार्ट भी आने वाला है। तो 16 GB रैम इस बिल्ड में लगाएंगे, लेकिन आप ऑफ कोर्स अगर थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है तो 8 GB का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। कॉर्सर वेंजेंस सीरीज़, तो ये चॉइस किया है। ऑफ कोर्स किंगस्टन हाइपर एक्स है, दूसरे ब्रांड्स है, ADATA का है, वो सारे भी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, बट स्टिल क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्सर ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ अलग PC में, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो इसलिए मैंने लिया। तो इन सारे PC कंपोनेंट्स ठंडक रखने के लिए चाहिए होता है कूलर, तो ये है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML120L RGB वर्शन वाला। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू कूलर मास्टर अगेन फॉर सेंडिंग दिस कूलर फॉर रिव्यू पर्पस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ऑल इन वन लिक्विड कूलर। एयर कूलर्स भी होता है, जैसे कि हाइपर 2XL इन्हीं का है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं ऑलरेडी मेरे अदर PC में यूज़ कर रहा हूँ। तो हाइपर 2XL हो या फिर हाइपर 2XL, दोनों भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन टू लिक्विड, थोड़ा अगर आप ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करते हैं, ज़्यादा रेंडरिंग करते हैं, तो टेम्परेचर्स हॉट होता है, या फिर थोड़ा हॉटर टेम्परेचर एरिया में आप रहते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड ए बेटर कूलर सॉल्यूशन। तो इसलिए ऐसे लिक्विड कूलर हो या फिर वाटर कूलिंग बिल्ड हो, बहुत ही अच्छे रहते हैं। एंड मोर ओवर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका CPU एंड जो मदरबोर्ड होता है वो कूल रहे, ताकि अच्छी तरह से एफिशिएंटली आपको काम कर सके। तो इसमें जैसे कि नाम है RGB, यानी कि सारे कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ऑसम लुक देता है। एंड उसके साथ ये है नया सीरीज, एक्चुअली टफ गेमिंग अलायंस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स टफ गेमिंग अलायंस के साथ आता है विद क्वालिटी कंपोनेंट्स, एंड वायर्ड कंट्रोलर भी आता है, ताकि आप इंडिविजुअल कलर लाइटिंग्स को सेट कर सके अपने जो आपको पसंद है वो वाला कलर आप ज़रूर इसमें रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक देता है आपके PC को। तो उन सारी चीज़ों को ऑफकोर्स बिल्ड करके मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, एंड इन सारी चीज़ों को पावर देने के लिए यह रहा कूलर मास्टर का मास्टर वैट 650। एंड ये कूलर मास्टर नहीं भेजा है, मैंने अपने पैसों से लिया है। तो कूलर मास्टर 650, दिस इज़ अ न्यू सीरीज़, ये भी बहुत अच्छा है, 80+ ब्रॉन्ज। मैंने एक वीडियो भी बनाया है क्यों यही लेना है आपको, कैसे आप वैटेज को चॉइस करें, ये सारे चीज़ मैं उस वीडियो में बताया हूँ, वो वाला देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा जेनरस वाला आप पावर सप्लाई लीजिएगा, ना कि वेरी कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई थोड़ा ज़्यादा रहता है तो कैसे भी आप एप्लीकेशंस रन करें, कैसे भी कंपोनेंट्स रहे, अच्छी तरह से स्मूथ परफॉर्मेंस देता है विदाउट एनी हैंग और हिकअप्स। एंड इन सारे चीज़ों को ऑन करके देखने के लिए है LG का मॉनिटर, वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है, आप इसको भी ज़रूर देख सकते हैं। इन सारे चीज़ों को लगाकर एक अच्छा PC हम बिल्ड करेंगे, एंड बेंचमार्क टेस्ट जो भी होता है गेमिंग का हो या फिर वीडियो एडिटिंग का, रेंडरिंग टाइम, सब मैं इस वीडियो में दूंगा, होपफुली यू लाइक इट। देखिए ऐसे पार्ट्स मैंने चॉइस किया है, अगर आप कोई इसी पैसे में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स भी मिसिंग है या फिर ऐड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक अच्छा कम्युनिटी रहेगा तभी एक अच्छा PC बिल्ड भी होगा, एंड अच्छा कम्युनिटी से डिस्कशन भी अच्छे होंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कैसे आप अच्छी तरह से PC को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।